सभी को लगेगी रजत की बद्दुआ, क्या बर्बाद हो जाएगी अब सभी की जिंदगी। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह से सभी फूट फूट कर रोने वाली है, क्योंकि उसको कोई अब बच्चा अडॉप्ट नहीं देना चाहता, जिसके चलते सभी को झटका लगेगा। तो वहीं रजत उसे बद्दुआ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सभी ने सई को आशिका के पास पहुंचा दिया, जो कि रजत कभी नहीं चाहता था, क्योंकि रजत ये बात अच्छे से जानता है कि उसकी एक्स वाइफ आशिका जो है वो कितनी मतलबी है, अपनी बेटी को भी किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती है। अब आप देख सकते हैं प्रोमो सामने आया जो कि काफी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। सभी के हाथ में लेटर है जहां से उसे पता चलता है कि उसकी अडॉप्शन का जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसके बाद सभी, ईशा, शांतनु सबके सब हैरान हो जाते हैं। ईशा की आंखों में भी आंसू हैं सभी के लिए, हालांकि वो नहीं चाहती थी कि सभी बच्चा गोद ले। ये बात सुनकर सभी जो है किसी को फोन करती है और कहती है कि मैम ये आपने गलत किया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी वहां रजत आता है और रजत कहता है तुम्हें कर्मों की सजा मिल रही, जैसे तुमने मुझे मेरी बेटी से दूर किया वैसे तुम्हें भी अब कभी बच्चा नसीब नहीं होगा। जहां पर सभी रजत को देखती रह जाती है। हालांकि इन सब चीजों के बीच में दोनों की कहानी कैसे जुड़ेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आशिका किस तरह से अब सई के साथ बैठी हुई है, उसको उसका रूम दिखा रही है, लेकिन उस छोटी सी बच्ची सई के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी परी आंटी यानी कि सभी के साथ रहना चाहती थी। आप क्या कहना चाहते हैं शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, कमेंट करके दोस्तों अपनी राय बताइएगा जरूर। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को फॉलो करें।